हेलो एवरीवन, आई चेतन काकलोतर फ्रॉम परमगुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सहरसा, क्लास 11, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट 2, टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, वी लर्न अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सॉलिड, इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड मेनी अदर टाइप्स। सो लास्ट आइडियल सॉल्यूशन है, उसके बाद का टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन मींस ओबे द राउल्ट्स लॉ। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ राउल्ट्स लॉ? सो उसकी जो हीट एंथैल्पी वैल्यू है वो मैक्सिमम जीरो होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी हीट कैपेसिटी है एब्जॉर्ब और इवॉल्व करने की कंपोनेंट की, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसका एंथैल्पी वैल्यू। एंड वी नो दैट अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल, ओके? सो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथीन एंड क्लोरोइथीन, बेंजीन एंड टोलुइन। सो दिस आर द आइडियल सॉल्यूशन। सो वी स्टार्ट अवर कंटिन्यू टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो उसके जैसा ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो सिंपली व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ऑबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन द प्रिडिक्ट बाय द राउल्ट्स लॉ। इफ इट इज हायर, द सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, एंड if it is lower it exhibit negative deviation. From Raoult's law, the plot of vapor pressure as a function of mole fraction for a such solution are shown in figure. So humne ek diagram draw kiya hai. Vapor pressure according to Raoult's law, vapor pressure against mole fraction ke upar ye diagram hai. Dekho, vapor pressure ke upper parts pe maine ek राउंड लाइन ड्रॉ की है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो इंडिकेट करता है ये हमारा वेपर प्रेशर कहता है पॉजिटिव डेविएशन में है, राइट? और उसके बाजू में नीचे के साइड से लोअर लेवल में जो हाफ राउंड शेप है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या इंडिकेट करता है कि वो हमें नेगेटिव डेविएशन इंडिकेट करता है। सो उसको हम डिटेल में जाते हैं। तो व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशन? सो स्टूडेंट, द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर अ सच सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर और मोल फंक्शन के बीच का जो रिलेशन है वो हम इंडिकेट करते हैं। सो इन दिस केस फॉर दिस डेविएशन लाई इन द नेचर ऑफ इंटरसेक्शन एट द मोलिकुलर लेवल। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोस ऑफ ए एंड बी बी। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एज फॉर एग्जाम्पल वी टेकन ए और ए बी, उसके अकॉर्डिंग हमें तीसरा सॉल्यूशन भी फॉर्म होगा ए बी। सो हम ये कह रहे हैं कि जो ए बी टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसका इंटरेक्शन होगा जो वीक होगा किसके अकॉर्डिंग, ए और बी बी, तो क्या होगा? इन दिस केस इंटरैक्टिव मॉलिक्यूल एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वीकर देन द दोस ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सो क्या कहना चाहते हैं ये कि जो हमारा ए और बी बी टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो इंटर मोलिकुलर फोर्स होगा वो वीक होगा किसके अकॉर्डिंग, ए बी के अकॉर्डिंग। This means that in the solution, molecular of A or B will find it easier to escape than the pure state. This will increase the vapor pressure and a result in a positive deviation. इनका vapor pressure का result कैसा आएगा हमें positive deviation में? मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर। सो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मिक्सचर हम लेते हैं मिथेनॉल का और एसीटोन का। मिथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल, और एसीटोन में कीटोन।
So in a pure ethanol, molecules are hydrogen bonded. We know that what is the formula of ethanol? CH3CH2OH. So उसके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसके लिए उसके अंदर H बॉन्ड भी डिपेंडेड है मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के लिए. ऑन एडिंग एसीटोन, उसके अंदर हम एसीटोन ऐड करेंगे, इट्स मॉलिक्यूलर गेट्स बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम. उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा. ड्यू टू वीकिंग ऑफ इंटरेक्शन दिस सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन. इसके वजह से हमारा जो डेविएशन आएगा वेपर प्रेशर का वो कैसा आएगा? पॉजिटिव. ड्यू टू दिस सिचुएशन इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड, इसके अंदर हम क्या ऐड करता है? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड. द डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर देन द रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन. सो सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन है वेपर प्रेशर का वो हमें कैसा आएगा? पॉजिटिव. इन दिस केस नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स जो हमारा सेकंड ग्राफ है वो, तो क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी आर वीकर देन द दोस ऑफ ए बी, लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रिजल्टिंग अ नेगेटिव डेविएशन. इसका जो वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा कैलकुलेटिव वो कैसा होगा? कम होगा, इसलिए ये हमें जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा. एन एग्जांपल एग्जांपल देखते हैं. अ मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलिन, कौन कौन से एग्जांपल लिए हमें? फिनॉल एंड एनिलिन. फिनॉल का स्ट्रक्चर बेंजीन के ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप है और एनिलिन का स्ट्रक्चर बेंजीन के ऊपर NH2 यानी कि एमाइन का फंक्शनल ग्रुप है. सो व्हाट हैपन इन दिस केस? इंटर मॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन फिनोलिक एंड प्रोटोन एंड लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ द एनिलिन इज स्ट्रॉन्गर देन द रिस्पेक्टिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स. इसके अंदर क्या होगा? जो एमाइन के अंदर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है NH2 और OH के अंदर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है. जो फिनोल का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर OH है, उसके ऊपर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इंटर मोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मोलिक्यूल यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के अंदर का बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा? फिनोलिक प्रोटोन, फिनोलिक प्रोटोन यानी कि H+ एंड लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन. वी नो डेट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो नाइट्रोजन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम है ऑफ एनिलिन, किसके ऊपर होगा? वो एनिलिन के ऊपर. इज स्ट्रॉन्गर देन द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल, जो हमारा दो मॉलिक्यूल है एनिलिन और फिनोल, उसकी बात करें, रिस्पेक्टिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल. सो इसके अंदर जो हम कंबाइन करेंगे तो उसकी वजह से जो H बॉन्ड होगा एनिलिन का और फिनोल का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. बिकॉज ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म अ सॉल्यूशन विथ अ नेगेटिव डेविएशन. हम एक सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, जिसके अंदर हमें राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग नेगेटिव डेविएशन दिखाई देगा. सो हमें एक एग्जांपल लिया, देखो CH3COCH3 यानी कि इथेनॉल और CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म. सो इन दिस मॉलिक्यूल राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा. तो कैसे क्यों आता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल से देखो H और ऑक्सीजन के बीच में एक डॉटेड लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है. विथ एसीटोन मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल के साथ अटैच है वो? एसीटोन. एसीटोन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला है CH3COCH3, उसके बीच में ऑक्सीजन और CHCl3 हाइड्रोजन दोनों के बीच में डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? H बॉन्ड. सो दिस डिक्रीज इज एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल फॉर ईच कंपोनेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली द वेपर प्रेशर डिक्रीजिज. सो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डेविएशन का वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, जो हमने आगे फिगर में ड्रॉ किया है.
सो स्टूडेंट दिस इज द मेन टू टाइप ऑफ ए बी बाइनरी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ एंड मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ के रेफरेंस में हमने पूरा समझा है को कैसे समझा है कि जो इंटरेक्शन होगा दोनों मिक्स करेंगे कंपोनेंट तो इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में तो जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है अदर मॉलिक्यूल्स के साथ एच बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसके अंदर जो पॉजिटिव डेविएशन आता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारे जो बाइनरी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा वैसे ही हमारा जो नेगेटिव डेविएशन आता है उसमें भी ऐसा है कि हमारा नेगेटिव डेविएशन में कौन से एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट एनिलिन और फिनॉल तो उसके अंदर भी क्या होता है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है तो वो हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्ड इंटरमोलेक्युलर के हिसाब से वो अपना बॉन्ड बनाएगा तो उसकी वजह से उसका डेविएशन कैसा आएगा नेगेटिव सो स्टूडेंट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जाम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने राउट्स लॉ के बेस पे हमने ये पढ़ा सो नेक्स्ट पॉइंट इज एजियोट्रॉप व्हाट इज एजियोट्रॉप सम लिक्विड्स आर मिक्सिंग फ्रॉम एजियोट्रॉप विच आर अ बाइनरी मिक्सचर इन द सेम कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बोथ एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिक्विड और वेपर फेज का कॉम्बिनेशन होगा इन सच केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग हमें उसका कंपोनेंट सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सो सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एज अ स्पेसिफिक कंपोजिशन फॉर एग्जाम्पल हमको इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर इथेनॉल वाटर मिक्सचर इथेनॉल अल्कोहल के अंदर क्या ऐड करते हैं वाटर ऑप्टेन बाई द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो हमें शुगर में से मिलता है ऑन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इसके अंदर जो हमें कंपोजिशन मिलता है वो वॉल्यूम कितना होगा इथेनॉल का 95% और 5% वाटर वंस दिस कंपोजिशन नॉन एज एजियोटॉप कंपोजिशन जो ऐसा जो हमारा कंपोजिशन मिलेगा सॉल्यूशन को उसको हम क्या बोलेंगे एजियोटॉप कंपोजिशन एंड हैज़ बीन अचीव द लिक्विड वेपर हैव द सेम कंपोजिशन एंड नो फर्दर सेपरेशन अकर जो इसका वेपर प्रेशर में आ जाएगा तो फिर हम उसका सेपरेशन नहीं कर पाएंगे द सॉल्यूशन दैट सो अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ जो नेगेटिव डेविएशन होगा वो लार्ज होगा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन सो इसके एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री एंड वाटर एच टू ओ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रॉप दिस एजियोट्रॉप हैज अ एप्रोक्सीमेट कंपोजिशन इसके अंदर कंपोजिशन कितना होगा 68% एच एन ओ थ्री एंड 32% वाटर बाई मास मीन्स डब्ल्यू विद द बॉइलिंग पॉइंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर सो We learned about the azeotrope, two type of azeotrope, minimum boiling point azeotrope and maximum boiling azeotrope. Minimum boiling azeotrope में कौन सा example लिया ethanol और water का जिसके अंदर composition कितना है ethanol का 95% और water का कितना है 5% and second solution of a large negative value deviation इसको क्या बोलेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन तो उसके अंदर हमने कौन सा एग्जांपल लिया था मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड 68% होगा और वाटर कितना होगा 32% सो दिस इज द टॉपिक कंप्लीटली फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन के नेचर ऊपर तो कौन कौन से ऊपर वो डिपेंड करेगा देर आर फोर टाइप्स फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट सेकंड डिप्रेसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट
थर्ड इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड द सॉल्वेंट एंड फोर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी जो चीज़ें हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइनेट कैसे करेंगे? सो ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स। ये जो सारी प्रॉपर्टीज है हमने जो आगे देखी है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उसके नेचर पे इरिस्पेक्टिव है टू द टोटल नंबर ऑफ द पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर जब प्रेशर होगा सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो दिस सच प्रॉपर्टीज आर नॉन एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसको हम डिटेल में जाएंगे तो उसका फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। राउट्स एस्टेब्लिश डेट ऑफ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया है P1 इज इक्वल टू P0 इंटू X1। सो P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू X1 यानी कि Psi1 होगा, वो मोल फ्रैक्शन होगा। P01 हमें लिखा वो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा। सो जो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के बीच में वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो हमें ये रिएक्शन बता रहा है। सो रिप्रोडक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 यानी कि प्योर सॉल्वेंट में से हमने सॉल्वेंट का प्रेशर बात किया है तो P1 की वैल्यू हमने पुट की है जो ऊपर हमने डिफाइनेट की है। P1 इज इक्वल टू P01 इंटू S1। सो दोनों में P01 कॉमन है उसको ले गए, P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X1। वी नो दैट X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1। कैसे आया? X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा। तो कोई भी एक लेगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा। सो X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1। सो डेल्टा P1, व्हाट इज डेल्टा P1? रिडक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सो इज इक्वल टू X2 इंटू P01। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल वॉल्यूट्स, जो इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिखेंगे ये फॉर्मूला। तो कैसा आएगा? डेल्टा P1 डिवाइड बाई P01। डेल्टा P1 के लिए हम क्या लिखेंगे? आगे हमने डिफाइनेट किया है P01 माइनस P1 और नीचे का तो वैसा के वैसा ही रहेगा। P01 इज इक्वल टू X2, जो पूरा वैल्यू होगा वो किसका होगा? X2। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट्स इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। सो P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01, इसको हम X2 यानी कि हमने डिफाइन किया है N2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2। हियर N1 एंड N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सो फॉर डाइल्यूशन N2 का डाइल्यूशन सबसे कम होगा अकॉर्डिंग टू N1। सो P01 माइनस P1 अपन P1 इज इक्वल टू N2 अपन N1। जो हमने N1 प्लस N2 लिखा है क्योंकि N2 का कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स एकदम कम है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो N2 डिवाइड बाई N1, उसके अकॉर्डिंग N इज इक्वल टू मोलिकुलर नंबर है तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। सो P01 माइनस P1 अपन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। सो दिस इज द आवर लास्ट इक्वेशन है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल। जो इसके एग्जाम्पल है वो स्टूडेंट हम लास्ट में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके अंदर क्या होगा? हम बॉइलिंग पॉइंट इवेल्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, वो कैसे इंक्रीज होगा? हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा। इट्स बॉयल एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर।
जो वेपर प्रेशर वो हमें एटमॉस्फेयर प्रेशर के जितना ले जाना है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द डेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो हमने फिगर ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर अगेंस्ट द टेम्परेचर एक सॉल्वेंट का है और एक सॉल्यूशन का है, तो उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट्स। सो लेट इट बी टी जीरो बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? टी बी इज डेल्टा टी बी। डेल्टा को हम क्यों लिखते हैं? कभी भी हम डिफरेंस डिफाइन करते हैं तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा में। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी जीरो बी। सो इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको डेल्टा टी बी को हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। सो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सो स्मॉल एम डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, तो उसके अंदर हम कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे के बी, तो के बी को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट इवोल्यूशन कॉन्स्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट इवोल्यूशन कॉन्स्टेंट। उसका दूसरा नाम है मोलर इवोल्यूशन कॉन्स्टेंट। ओके स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल स्टेप एम टू इज डिजोल्व इन अ डब्ल्यू वन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन मोलालिटी ऑफ एम सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन स्मॉल एम मोलालिटी। कैपिटल एम होगा तो मोलालिटी, स्मॉल एम हुआ तो मोलालिटी इज इक्वल टू, हमें आगे फॉर्मूला आया था उसके अकॉर्डिंग हमें ये लिखा है डब्ल्यू टू डिवाइड बाई एम टू डिवाइड बाई डब्ल्यू वन डिवाइड बाई थाउजेंड। तो उसको हम रीअरेंज करेंगे तो थाउजेंड डाउन टू डाउन अप हो जाएगा, तो थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू टू डिवाइड बाई डब्ल्यू वन इंटू एम टू। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी एम, ये फॉर्मूला हमने आगे देखा है, तो उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे एम की। सो एम इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइड बाई के बी। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा के बी इंटू एम। सो डेल्टा टी जो के एम की वैल्यू हमने पुट की है तो हमने फिर से रीअरेंज किया है क्योंकि हमें एम टू मोलालिटी को सब्जेक्ट बनाना था। सो थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू टू इंटू के बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन। सो दिस इज द अवर लास्ट फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग भी हमें एग्जाम्पल आते हैं, कोई दो तीन चीज़ है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के बी की वैल्यू हमें दी गई है तो एम टू हम मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल आते हैं। थस द डिटरमाइन एम टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड डेल्टा टी बी डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटली फॉर नॉन सॉल्यूशन एंड हुज के बी वैल्यू इज नॉन। के बी की वैल्यू वो नॉन होगी वो हमें एग्जाम्पल में दी गई होगी। सो स्टूडेंट दिस इज द अवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इन एटमोस्फेयर प्रेशर कितना है 1 atm यानी कि 1.013 bar। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, हमने आज दो टॉपिक कवर किए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के फॉर्मूलास हमें याद रखने हैं और दोनों के एग्जाम्पल भी हमें एग्जाम में आते हैं। सो बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर एंड एनी कन्फ्यूजन प्लीज कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो टूडेज टॉपिक इज ओवर स्टूडेंट, टेक केयर, सत केवल साहब।